अगर चेल्सी ये सेमीफाइनल हार जाती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चेल्सी खुद होगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनालाइज और रिव्यू करेंगे चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का सेकंड लेग जो कि आज हो चुका है और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। लेकिन सेकंड लेग को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, यानी कि देखते हैं कि पिछले हफ्ते फर्स्ट लेग में क्या हुआ था उसको मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो लास्ट वीक इन दोनों टीम्स के बीच में फर्स्ट लेग का मैच हुआ था रियल मैड्रिड के होम में, जहाँ पे जो स्कोर लाइन थी वो 1-1 के साथ ड्रॉ हुई थी। और इसी के साथ हालांकि जो स्कोर लाइन थी वो 1-1 के साथ ड्रॉ हुई थी, लेकिन जो अपर हैंड था वो चेल्सी का था बिकॉज उनके पास अवे गोल था। और ना ही सिर्फ अवे गोल की वजह से उनके पास एक अपर हैंड था, बल्कि हमने देखा कि फर्स्ट लेग में चेल्सी ने काफ़ी एरियाज में और काफ़ी स्टैट्स में रियल मैड्रिड का आउटक्लास कर दिया। बट कहीं ना कहीं चेल्सी के जो ओपन मिसेस थे और टीम ओवर का जो अंडर परफॉर्मिंग अंडर कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस थी, कहीं ना कहीं उसने जो स्कोर लाइन थी वो 1-1 पे रखा। और अगेन रियल मैड्रिड की तरफ से प्लस पॉइंट यह था कि करीम बेंजेमा अभी भी हॉट स्ट्राइकर और रूथलेस फॉर्म में थे, जिसने रियल मैड्रिड को इस टाइम में बना के रखा था। अब बात करते हैं इस लेग की, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से। अगर बात करें चेल्सी की तो जो थॉमस टुचेल है उन्होंने अपनी प्रिफर्ड फॉर्मेशन 3 at the back वाली फॉर्मेशन को सेलेक्ट किया था। अब ऑन पेपर ये 3-1-4-2 फॉर्मेशन थी, बट इन गेम इट वॉज 3-4-1-2 फॉर्मेशन थी, जहाँ पे गोल कीपर एडवर्ड मेंडी थे। अगर तीन सेंटर बैक की बात करें तो क्रिस्टेंसन, थियागो सिल्वा और एंटोइन रुडिगर थे। अगर फोर मिडफील्डर्स की बात करें और अगर टू विंग बैक्स की बात करें तो एस्पिलिकुएता और मेसन माउंट थे। और दो मिडफील्ड की बात करें तो वो जॉर्गिनियो और एंगोलो कांते थे, जो कि सेम लेग वन में थे। जो माथियो कोवाचिस थे वो इंजर्ड थे, इसलिए उनको इस टाइम से बाहर रखा गया था। और थ्री अटैकर्स की बात करें तो वो टीमो वर्नर, काय हैवर्ट्स और मेसन माउंट थे। क्रिश्चियन पुलिसिक जिन्होंने पहले लेग में गोल स्कोर किया था वो इस मैच के लिए सब्स्टिट्यूशन बेंच पे थे। अब यार इसमें जो मेसन माउंट थे वो लेफ्ट साइड पे थे, काय हैवर्ट्स राइट साइड पे थे और टीमो वर्नर एज अ स्ट्राइकर थे। ये इन तीनों की प्रेफर्ड पोजीशन थी, पर थॉमस टुचेल ने इन तीनों को इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि ये पोजीशन वेरिएशन लाते रहें, एक दूसरे की पोजीशन से स्वैप करते रहें, जिससे रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहे। बात करते हैं अगर रियल मैड्रिड के फॉर्मेशन की, तो जिनेदिन जिदान ने भी थोड़ा सा जो फॉर्मेशन थी पिछली बार से उसको ट्विक करा। उन्होंने भी इस बार 3 at the back और 2 wing back के साथ अपनी फॉर्मेशन को अडॉप्ट किया। और जो सरप्राइज एलिमेंट इस फॉर्मेशन में ऐड किया वो कहीं ना कहीं थे ईडन हजार्ड, जो कि अपने फॉर्मर क्लब चेल्सी के खिलाफ इस मैच में पूरे 90 मिनट खेलने वाले थे। फर्स्ट लेग में भी उन्हें थोड़ा सा टाइम खेला था, लेकिन इस मैच में वो पूरे के पूरे 90 मिनट्स खेलने वाले थे। हालांकि हमने मैच के एंड में देखा कि उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। लेकिन अगर इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो एक सरप्राइज एंट्री और थी, और वो थे राफेल वरान बाहर गए थे और उनकी जगह सर्जियो रैमोस अंदर आए थे। वरान इंजर्ड हैं इसलिए वो बाहर हैं और सर्जियो रैमोस इंजरी से वापस आए थे। तो बात करें अगर फॉर्मेशन की तो थीबो कोर्तवा जो प्रीफर्ड गोलकीपर है वो गोलकीपर पोजीशन पे थे। तीन सेंटर बैक्स की बात करें तो वो नाचो फर्नांडिस, सर्जियो रैमोस और एदर मिलेताओ। दो विंग बैक्स की बात करें तो फोर्लान मेंडी थे और विनीसियस जूनियर थे। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि अगर विंग बैक्स के साथ अगर जिनेदिन जिदान जाने वाले हैं तो वो मार्सेलो भी हो सकते हैं और फेडे वेलवर्डे भी हो सकते हैं, बट मार्सेलो और वेलवर्डे दोनों ही बाहर थे। वेलवर्डे सब्स्टिट्यूशन थे और बाद में गेम के अंदर आते हैं, लेकिन फोर्लान मेंडी और विनीसियस जूनियर कहीं ना कहीं विंग बैक्स थे। और मिडफील्ड की बात करें तो इट वॉज कासिमेरो, टोनी क्रूज एज टू होल्डिंग मिडफील्डर्स विद मॉड्रिच एज ए नंबर 10। और दो स्ट्राइकर की बात करें तो ईडन हजार्ड और करीम बेंजेमा थे। अब यार स्ट्रेटजी की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेग के बाद चेल्सी के पास एक एडवांटेज था क्योंकि उनके पास अवे गोल था। तो इस गेम में और चेल्सी का पूरे थ्रू आउट द सीजन थॉमस टुचेल के अंदर एक स्ट्रेटजी रही है, जो उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। तो कहीं ना कहीं चेल्सी का एक पर्पस, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव था कि चेल्सी इस गेम में कंसीड नहीं करेगी। और अगर रियल मैड्रिड की पर्सपेक्टिव और स्ट्रेटजी से बात करें तो उनको इस टाई में बने रहने के लिए कम से कम एक गोल तो स्कोर करना ही करना है, इरिस्पेक्टिव कि चेल्सी एक गोल स्कोर करती है। अब यहाँ पे जिनेदिन जिदान ने दो गेम प्लान बनाए थे। पहला गेम प्लान तब था जब रियल मैड्रिड एक गोल कंसीड करेगी या नहीं करेगी, यानी कि स्कोर लाइन या तो 0-0 रहेगा या फिर 1-0 से चेल्सी के फेवर में होगा। और दूसरा गेम प्लान तब था जब चेल्सी 2-0 से आगे होगी या फिर रियल मैड्रिड दो या दो से ज़्यादा गोल कंसीड कर लेगी। तो इसी के साथ यार मैच स्टार्ट होता है और मैच का जो पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। अब ये स्लो जो पेस होता है, जो किस पेस पे गेम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स को ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। उसके रीजन्स मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर बात करें चेल्सी की, तो चेल्सी को तो डिफेंड करना था और चेल्सी की स्ट्रेटेजी इस गेम के लिए सीधा सीधा काउंटर अटैक थी। उनको डोमिनेट नहीं करना था, डोमिनेटिंग द पोजिशन और इवन द डोमिनेटिंग प्रेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेग में
में चेल्सी काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रही थी रियल मैड्रिड की बैकलाइन को, बट हमने इस मैच के शुरुआती या किसी भी ऐसे सेक्शन में नहीं देखा जहाँ पे चेल्सी मैड्रिड की बैकलाइन को प्रेस कर रही थी। तो चेल्सी कहीं ना कहीं काउंटर अटैक पे डिपेंडेंट थी और उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो काउंटर अटैक कर सकते हैं। अगर बात करें रियल मैड्रिड की तो ये जो स्लो पेस गेम था ये असल में रियल मैड्रिड को ही चाहिए था, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो काउंटर अटैक कर सकते हैं, बट जिस तरीके से फॉर्मेशन जिनेदिन ज़िदान ने पिक करी है उस हिसाब से रियल मैड्रिड का जो गेम प्लान था वो बहुत ही पोजेशन बेस्ड गेम प्लान था। और हमने देखा है कि रियल मैड्रिड अटैक ऐसे ही करती है, वो बहुत पेशेंटली अपने पास पोजेशन रखती है, गेम को कंट्रोल अपने हिसाब से करना चाहती है और पोजीशन रखते हुए वो अपने मोमेंट का वेट करती है और तब वो स्ट्राइक करती है। और इसी तरह करीम बेंजिमा इस गेम में इन्वॉल्व होते हैं। अब क्योंकि यार स्लो गेम पेस था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 10-15 मिनट में रियल मैड्रिड काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस में लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ रियल मैड्रिड अपना होमवर्क करके आई है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी। अगर ईडन हज़ार्ड की बात करें तो हाँ, हमने वो जो ईडन हज़ार्ड वो जो चेल्सी का लेजेंड था उस लेवल की परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी इस मैच में, लेकिन पहले 10 या 15 मिनट में थोड़ी सी ईडन हज़ार्ड की असली झलक दिख रही थी। वो ड्रॉप डीप कर रहे थे कुछ क्रिएट करने के लिए और बेंजिमा बॉक्स में रहने की कोशिश कर रहे थे, बेंजिमा भी अपनी पोजीशन बदल रहे थे जिससे वो गेम में इन्वॉल्व हो। लेकिन पहले 10-15 मिनट में हाँ लग रहा था कि रियल मैड्रिड गोल स्कोर करेगी और रियल मैड्रिड अच्छा खासा प्रेशर बना रही थी चेल्सी के लिए। पहले 10-15 मिनट को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये जो 90 मिनट है चेल्सी के बैकलाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं पता साइड लाइन से कोई इंस्ट्रक्शन आए या फिर इनके आपस में कोई स्ट्रेटजी थी। जो पहले 15 मिनट में रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस थी उसकी उलट पूरे थ्रू आउट द गेम रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस रही। पहले 15 मिनट के बाद या पहले 10-15 मिनट के बाद रियल मैड्रिड की जो परफॉर्मेंस थी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही अलग थी जो हमने रियल मैड्रिड को लिवरपूल के अगेंस्ट देखा था। लिवरपूल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड की हर वो चीज़ का एक पर्पस था। लेफ्ट साइड से अटैक हो रहा है उसका एक पर्पस है, विनीसियस जूनियर रन बना रहे हैं उसका एक पर्पस है। यहाँ पर हर चीज़ काफ़ी बिखरी बिखरी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड का हर प्लेयर अपने आप में कोई चीज़ करना चाह रहा है। ईडन हज़ार्ड ड्रॉप डीप कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है, कोई वो कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि ईडन हज़ार्ड को इस अब बहुत लोग कहते हैं कि यार ईडन हज़ार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी गिर गई है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके रिगार्डिंग ये है कि जो ईडन हज़ार्ड की परफॉर्मेंस है वो नहीं गिरी है, बल्कि ईडन हज़ार्ड का जो गेम टाइम है वो बहुत कम हुआ है इंजरीज की वजह से। अभी सीजन भी यार वो काफ़ी टाइम इंजरी रहे हैं और हमने देखा जो लेग वन जो इन दोनों टीम्स के बीच हुआ था उसमें भी कुछ टाइम खेले हैं, उसके बाद एक गेम लालीगा का उन्होंने खेला और अब जाके वो पूरा 90 मिनट इसमें खेलने वाले थे। तो कहीं ना कहीं उनके पास कॉन्फिडेंस वो नहीं है, वो ड्रॉप डीप कर रहे थे, बॉल रिसीव कर रहे थे, लेकिन हमने जो देखा था कि वो चेल्सी में जैसे 3-4 डिफेंडर्स को बीट करते हैं मैसी स्टाइल में फिर जाके गोल मारते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। बात करें करीम बेंजिमा अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे इधर से उधर भाग रहे जस्ट बिकॉज इन्वॉल्व होने के लिए। हमने फर्स्ट हाफ के पहले 20 से 25 मिनट में हमने देखा कि 2-3 स्ट्राइक मारे हैं करीम बेंजिमा ने, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि जो रियल मैड्रिड का गेम प्लान है उसके हिसाब से वो उसका प्रोडक्ट था, वो इट वाज ओनली इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो 2-3 सेव एडवर्ड मेंडी ने करे हैं, जो करीम बेंजिमा ने शॉट मारे हैं। बट आप कितने ही एफर्ट मार लो मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि एक्चुअली में आपका जो गेम स्टाइल है जो गेम प्लान है उसका प्रोडक्ट कैसा है। और सही बताऊं तो प्रोडक्ट बिल्कुल कंफ्यूजन था, हर रियल मैड्रिड का प्लेयर मेरे हिसाब से तो कंफ्यूज लग रहा था। बात करें अगर पर्टिकुलरली प्लेयर इंस्ट्रक्शंस की तो फर्लैंड मेंडी एज अ लेफ्ट विंगर खेल रहे थे क्योंकि लुका मॉड्रिच बहुत डीप ड्रॉप कर रहे थे, एडन हज़ार्ड भी बहुत ज़्यादा मिडफील्ड में आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं फर्लैंड मेंडी को पूरी इंस्ट्रक्शन में पूरी छूट मिली थी कि वो विंग्स पे आके जा सके। और इसका दूसरा कारण ये भी है क्योंकि हमने देखा था कि जो पहला गोल पहले लेग में करीम बेंजिमा ने गोल मारा था वो भी एक काइंड ऑफ लकी कह सकते हो, और वॉली बहुत ही अच्छी थी लेकिन वो गोल एक लकी गोल था, और वो भी गोल तब आया था जब सारे बेंजिमा बॉक्स के अंदर थे। तो कहीं ना कहीं फर्लैंड मेंडी को इस ड्यूटी दे रखी थी कि फर्लैंड मेंडी की तरफ से क्रॉसेस आएंगे। बात करें विनीसियस जूनियर की, अब यार विनीसियस जूनियर जो लिवरपूल के अगेंस्ट जैसे मैंने आपको रिव्यू में बताया था कि वो इनका ब्रेक थ्रू सीजन है, वो इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है मेरे हिसाब से, इस मैच में कहीं ना कहीं वो अलग ही खेल रहे थे मेरे ख्याल से। सबसे पहले कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज लगा रखी थी तो उनको बहुत ज़्यादा ड्रॉप डीप करना पड़ रहा था। दूसरी बात अगर हम उसकी अटैकिंग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्रॉसेस नहीं दे रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू कट इनसाइड, बट कहीं ना कहीं इसीलिए थॉमस टुचल को पता है कि विनीसियस जूनियर क्या करना चाहते हैं तो इसीलिए उन्होंने बैक फाइव रखा था ऑब्वियसली जब आपकी, और ऊपर से चेल्सी की जो बैक फाइव है वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसको थियागो सिल्वा लीड कर रहे थे, हमने देखा एंटोनी रुडिगर, और अगर बात करें जो बेन चिलवेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस में थे, कहीं ना कहीं बेन चिलवेल ने अच्छे से संभाल लिया विंग्स को। बात करते हैं चेल्सी की तरफ से जो हाईलाइट्स आई हैं फर्स्ट हाफ में, पहले हमने देखा 15-20 मिनट में चेल्सी को डोमिनेट नहीं करना था गेम, चेल्सी को ना ही प्रेस करना था, चेल्सी को रियल मैड्रिड को बॉल लेने देना था,
दे वर हैप्पीली सेटल बैक इन देयर ओन हाफ, लेकिन जिस एरिया में चेल्सी को बॉल नहीं देनी थी रियल मैड्रिड को और जहाँ पे वो प्रेस कर रहे थे वो थी मिडफील्ड। और इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहले रीज़न है क्योंकि मैंने आपको बताया लुका मॉड्रिच और ईडन हज़ार्ड दोनों मिडफील्ड में आके जो रियल मैड्रिड के नंबर्स हैं उसको इंक्रीज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि क्योंकि थॉमस टुचल को पता है, क्योंकि ज़िनेदिन ज़िदान को पता है कि जो चेल्सी की मिडफील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फर्स्ट लेग में भी चेल्सी की मिडफील्ड ने कहीं ना कहीं गेम चेल्सी के फेवर में रखा था, तो इसीलिए रियल मैड्रिड अपने जो प्लेयर्स के नंबर्स हैं वो चेल्सी के अपने जो मिडफील्ड में बढ़ाना चाह रही थी। और अपने फर्स्ट हाफ के काफ़ी इंस्टेंस में देखा कि चेल्सी रियल मैड्रिड के जो मिडफील्ड है, जब रियल मैड्रिड मिडफील्ड में पोजीशन रखती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेस करती है। क्योंकि अगर मैं आपको रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस और रियल मैड्रिड गेम स्टाइल बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंटली पोजीशन रख रहे हैं, लेकिन जब भी उनके पास मिडफील्ड में पोजीशन होती है तो अगर चेल्सी वहाँ पर पोजीशन ले लेती है, वहाँ पर पोजीशन छीन लेती है, तो इट वॉज टोटली ओपन, लाइक ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड के डिफेंडर कहाँ हैं, बिकॉज दे आर सो इतना आउट ऑफ पोजीशंस होते हैं। इट वाज ओनली सर्जियो रैमोस या इधर मिल जाता हो, और अगर उनकी बात करें तो उधर से चेल्सी में होते हैं मेसन माउंट होते हैं, काय हैवर्ट्स होते हैं, टीमो वर्नर होते हैं जो कि बहुत पेसी हैं। तो कहीं ना कहीं चेल्सी को तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक रियल मैड्रिड के डिफेंस के पास ऑन विंग्स बॉल है, क्योंकि दे आर ऑल कवर्ड। और लेकिन जैसे ही रियल मैड्रिड मिडफील्ड में बॉल लेके आते तभी चेल्सी प्रेस करना स्टार्ट कर देते इन केस काउंटर अटैक बन जाए। अब अगर बात करें इस गेम के पहले गोल की, तो पहला गोल आता है चेल्सी की तरफ से, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया जो चेल्सी की स्ट्रेटजी की तरफ से थी, जो पेस था गेम का वो काफ़ी स्लो था, रियल मैड्रिड के पास पोजीशन थी, लेकिन यही चेल्सी को चाहिए था। चेल्सी को ब्रेक थ्रू और जो डेडलॉक था वो काउंटर अटैक पे ही तोड़ना था, जो कि इन्होंने काउंटर अटैक पे ही थोड़ा अगेंस्ट द प्लेयर या चेल्सी ने गोल स्कोर किया। अगर मैं आपको गोल एक्सप्लेन करूँ तो इट वॉज अगेन एनगोलो कांते मिडफील्ड से ये गेम बनाए, और चेल्सी को यही चाहिए था कि जब भी रियल मैड्रिड मिडफील्ड में पोजीशन लेके आएगी तो वो पोजीशन छीन के काउंटर अटैक पे ब्रेक थ्रू लें, और वो उनको ब्रेक थ्रू मिला जहाँ पर एनगोलो कांते ने एक अच्छा 1-2 टीमो वर्नर के साथ करा, फिर वो बॉल काय हैवर्ट्स के पास जाई जहाँ पे उन्होंने एक काफ़ी क्लासिक चिप करा, लेकिन वो गोल पोस्ट पे जाके लगी और वहाँ पे इट वाज अ सिंपल टैप इन हेडर फॉर टीमो वर्नर। और इसी के साथ जो गेम होता है वो 1-0 के साथ चेल्सी के फेवर में चला जाता है। अब जैसे कि यार मैंने आपको गेम्स शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि जो चेल्सी और रियल मैड्रिड की स्ट्रेटजी और मैंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी अलग है। चेल्सी को थ्रू आउट द गेम चाहे वो एक गोल स्कोर करे ना करे, चेल्सी को कंसीड नहीं करना है, और रियल मैड्रिड चाहे चेल्सी एक गोल स्कोर कर दे, रियल मैड्रिड को कंसीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल, लेकिन रियल मैड्रिड को कम से कम एक गोल स्कोर करना ही करना है। तो क्योंकि अब जो सिचुएशन बन चुकी थी वो थी चेल्सी 1 रियल मैड्रिड 0, अब भी रियल मैड्रिड इतना ज़्यादा हाइपर नहीं हुई थी, अब भी रियल मैड्रिड को इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होती, उन्होंने अपनी मेंटालिटी को सेम रखा। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि चेल्सी के गोल स्कोर करने के बाद रियल मैड्रिड पैनिक हो गई है, रियल मैड्रिड गोल स्कोर करने की अर्जेंसी है, या फिर रियल मैड्रिड इक्वलाइज के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मार रही है, उनको वो सब नहीं चाहिए था। इसी के साथ यार पहला हाफ खत्म हो जाता है, सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, उसमें भी कोई सिस्टमैटिक या फिर कोई स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों की जो स्ट्रेटेजी थी वो अनचेंज रहती है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि चेल्सी आगे है। क्योंकि अभी भी अगर रियल मैड्रिड एक गोल स्कोर कर देती है तो जो गेम होता है वो अबे एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा जहाँ पर ओपन रहेगा, तो इट वॉज ऑल अनटिल या तो चेल्सी दूसरा गोल स्कोर कर दे या फिर रियल मैड्रिड पहला गोल स्कोर करके गेम को एक्स्ट्रा टाइम में ले जाए। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा समराइज़ करूँ तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता दिया कि अगर चेल्सी ये सेमीफाइनल हारती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेल्सी की खुद की होगी, क्योंकि हमने इसमें एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि 4 या 5 ऐसे चांसेस देखे जो कि चेल्सी ने बिल्कुल ओपन छोड़ दिए। मेसन माउंट ने सबसे पहले ओपन गोल छोड़ दिया, यहाँ पे वो 1-on-1 थीबो कोर्टुआ से थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने इतनी तेज शॉट मारा कि वो गोल पोस्ट के ऊपर चली गई। उसके बाद हमने देखा काय हैवर्ट्स, वो भी उन्होंने 1-on-1 को थीबो कोर्टुआ के सामने 1-on-1 उन्होंने गोल मिस कर दिया। अगर हम तीसरे अटेम्प्ट की बात करें तो इट वॉज एनगोलो कांते, फिर से थीबो कोर्टुआ के 1-on-1 थे, उन्होंने वो चांस मिस कर दिया। तो कहीं ना कहीं चेल्सी ने बहुत ज़्यादा चांसेस मिस कर दिया, और कहीं ना कहीं यही लग रहा था लाइक दे आर गिविंग लाइफ लाइन टू रियल मैड्रिड, एक गोल स्कोर करा गेम खत्म है। क्योंकि अगर हम पहले हाफ की बात करें तो ऐसा लग रहा था ठीक है अगर रियल मैड्रिड ने पहला गोल मार दिया तो एक्स्ट्रा टाइम में गेम चल जाएगा, लेकिन उनके गेम स्टाइल को देख के, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, जो उनका गेम प्लान है, उसको देख के कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ठीक है वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं गोल आने वाला है। इट वॉज लाइक कि ठीक है चेल्सी गलती कर देगी या फिर पलक झपकती, जैसे फर्स्ट लेग में बेंजेमा ने गोल मारा था आउट ऑफ नोवेयर, ऐसी गोल आने वाला है। बट अदर देन दैट ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि जिस सिस्टम के साथ रियल मैड्रिड खेल रही है उस सिस्टम का प्रोडक्ट होगा कि एक गोल आएगा। और क्योंकि अभी भी 1-0 स्कोर लाइन थी तो कहीं ना कहीं चेल्सी पता नहीं क्यों इतने सारे चांसेस मिस करके
सिर्फ 3 या 4 अटेम्प्ट में से सिर्फ एक गोल जाना था और ये टाई वहीं खत्म हो जाता। अगर गोल की बात करूँ तो दूसरा गोल आता है और ये गोल आता है 85th मिनट पे, जहाँ पे मेसन माउंट ने अगेन रन ऑफ प्ले, अगर हम बात करें इट वॉज अगेन, अगर मैं आपको गोल एक्सप्लेन करूँ तो इट वॉज अगेन एनगोलो कांते जिन्होंने मिडफील्ड में एक अच्छा इंटरसेप्शन करा, उसके बाद एक 1-2 खेला पुलिसिच के साथ, फिर पुलिसिच ने बॉल को रखा अपने पास पेनल्टी बॉक्स में एंड इट वॉज अ ग्रेट पास टू मेसन माउंट, जहाँ पे मेसन माउंट ने टैप इन करके गेम को फिनिश कर दिया और इसी के साथ ये टाई फिनिश हो जाता है। चेल्सी 2-0 से इस गेम को जीत गई है और अगर एग्रीगेट की बात करें सो एग्रीगेट पे चेल्सी ने 3-1 से रियल मैड्रिड को बीट कर दिया और अब जो यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल होगा वो होगा ऑल इंग्लिश फाइनल, जहां पे चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल होगा। अदर देन दैट अगर रियल मैड्रिड की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो लिवरपूल के अगेंस्ट रियल मैड्रिड मैंने देखी थी उसकी बिल्कुल ही उल्टी थी, कोई पर्पस नहीं दिख रहा था, ईडन हजार्ड की झलक दिखी थी बट जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा लो था, बेंजिमा बहुत ट्राई हार्ड कर रहे थे गेम में इन्वॉल्व होने के नहीं, विनीशियस जूनियर विंग्स पे रह गए ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए और डिफेंसिव ड्यूटीज़ उनको भले ही दी थी बट हमें पता है कि वो इतने डिफेंसिवली इतने अच्छे नहीं हैं। बाकी सर्जियो रैमोस की बात करें तो ऑब्वियसली ही इज़ अ लीडर बट क्योंकि इतने टाइम बाद वो गेम में वापस आए थे तो उनसे कुछ हम उम्मीद कर नहीं सकते और ऑब्वियसली वो डिफेंडर है, वो भी स्ट्राइकर थोड़ी है जो गोल मार के आएंगे। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये टाई बहुत ज़्यादा चेल्सी के फेवर में था, चेल्सी ने इस टाई को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया होता अगर उनके जो स्ट्राइकर्स हैं उन्होंने अपने चांसेस लिए होते। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इसी तरह मैचेस के रिव्यूज़ करता हूं और फीफा से रिलेटेड कॉन्टेंट्स चैनल पर डालता रहता हूं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।